हेलो दोस्तों, राधे राधे। दिल खुश व्लॉग पे आपका स्वागत है। देखो, आज हम गेहूं के आटे से आपको रोटी बना के दिखा रहे हैं कैसी रोटी खानी चाहिए। ये हमने नॉर्मल आटा लगाया है, ना पतला ना सख्त। देखो दोस्तों, हमें ज़्यादा पतली रोटी नहीं खानी चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, कब्ज होती है उससे, खाना जल्दी नहीं हजम होता, डाइजेस्ट नहीं होती। हमें थोड़ी मोटी रोटी खानी चाहिए और चोकर वाली रोटी खानी चाहिए। ज़्यादा बारीक आटा भी नहीं खाना चाहिए, मोटे आटे की रोटी खानी। देखो हमारी रोटी कितनी अच्छी बनती है। मोटे आटे की रोटी जल्दी हजम होती है और डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। जहाँ तक कोशिश हो चोकर वाले की रोटी खाएं, चोकर वाले आटे की, और आटे को छाने ज़रूर। देखो बहुत पतली रोटी, और थोड़ी देर रोटी को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना चाहिए, वो गिली गिली हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी ऐसे रखनी चाहिए ताकि जो उसकी भाप होती है वो अच्छे से निकल जाए। ये मैं मिट्टी के तवे पे रोटी बना रही हूँ। मिट्टी के तवे पे बनी हुई रोटी हो या सब्जी हो, बहुत हेल्दी होती है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। देखो कैसे स्लो स्लो बन रही है। किनारों से थोड़ा प्रेस करें ताकि किनारे भी किसके कच्चे ना रहें। देखो कितनी अच्छी बनी और फूल रही है, बिल्कुल हेल्दी रोटी। देखो दोनों साइड से कितनी अच्छी सिकी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और सबको शेयर करें कि पतली रोटी नहीं खानी चाहिए, थोड़ी मोटी रोटी खानी चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक कोशिश हो चोकर वाली रोटी खाएं।